हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे अपने जो वर्ड्स हैं, टेक्स्ट है, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसका फॉन्ट साइज़ की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसकी केस को चेंज करने की। जैसे कि कभी कभार आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो उसे स्मॉल लेटर में कर देना, और स्मॉल लेटर में लिख देते हैं तो उसे कैपिटल लेटर में लिख देना। तो सपोज़ यहाँ पे मैं वाइट जो स्पेस है वहाँ पे एक वर्ड लिखती हूँ, MS वर्ड। और जब मैं यहाँ पे स्पेस दबाऊँ या कुछ भी करूँगी तो देखिए, आप देख पा रहे हैं MS वर्ड का M जो है वो कैपिटल हो गया है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा MS वर्ड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कभी कुछ लिखते हैं तो पहला जो सेंटेंस का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल कर लेता है। इस अकॉर्डिंग क्या है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, मैं बताऊँगी कि ये जो रेड लाइन आ रही है ये क्यों आ रही है। ये अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शंस देता है कि आप यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं। तो वो बता रहा है कि आपकी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलती है, कुछ एरर है, तो आपको या तो यहाँ पे डॉट लगाना चाहिए या दोनों ही कैपिटल लिखने चाहिए। लेकिन अभी हम इसे इग्नोर कर देंगे बिकॉज अभी हमारा इसमें कोई काम नहीं है। तो हम देखते हैं कि सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल हो जाए। ठीक, तो हम ये जो डबल ए वाला सेक्शन है यहाँ जाएंगे, इसको चेंज केस बोलते हैं। तो सेंटेंस केस में देखिए, एस के नीचे लाइन खींची हुई है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस का पहला अक्षर है इसे कैपिटल बना देता है। सपोज मैं इसको छोटा बना दूँ, यहाँ पे M लिख दूँ, तो अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँगी और ऊपर जाके सेंटेंस केस को क्लिक करूँगी तो देख पा रहे हैं आप, सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल हो गया है। अब हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो पूरा जो यहाँ पे दो जितना भी लिखा हुआ है ये सब हमारा कैपिटल लेटर में हो जाए, हमें ध्यान नहीं आया लिखते वक्त हमारे जो कीबोर्ड होता है उसमें कैप्स लॉक बटन होती है जिसे दबा के उसके बाद लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप भूल गए हैं और आपने सेंटेंस लिख दिया है तो आप उसे बिगाड़े नहीं, उसे सेलेक्ट कर लें जितना आपको कैपिटल करना है, फिर यहाँ पे डबल ए जो बना रहा है इस पर क्लिक करें और यहाँ अपर केस पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप अपर केस पे क्लिक कर देंगे या आपका जो ये सेंटेंस है, जो भी वर्ड सेलेक्टेड थे, वो सारे कैपिटल में हो जाएंगे। अब बारी आती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सेंटेंस है या वर्ड है उसमें जो चीज़ें हैं वो स्मॉल लेटर में हो जाएं, तो जितना आप स्मॉल चाहते हैं उतने को सेलेक्ट करें। सपोज़ मैं स्टार्टिंग का वर्ड नहीं चाहती, मैं सिर्फ आखिरी से ले रही हूँ एस तक, मैं चाहती हूँ इतना पोर्शन स्मॉल हो जाए, तो मैं फिर से AA पे जाऊंगी और लोअर केस को दबा दूंगी, तो जितना पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया था वो छोटा हो जाएगा। अब बारी आती है कि सपोज़ मैं यहाँ पे लिखती हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, सपोज़ मैं लिखती हूँ यहाँ पे वर्किंग ऑन MS वर्ड, और भी बढ़ा देती हूँ थोड़ा सा, जैसे I am recently working on MS Word. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि सपोज आप चाहते हो कि हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो, तो वो कैसे हो सकता है। उसके लिए आपको पूरा सेंटेंस कॉपी करना होगा और उसके बाद आपको फिर से AA पे जाना होगा और कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो गया है। ठीक है, तो आप इस अकॉर्डिंग हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल कर सकते हैं। अब सबसे आखिरी केस है हमारा टॉगल केस। टॉगल केस ये बोलता है, आप इसका जो लिखा हुआ तरीका इससे पहचान सकते हैं कि जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं पहला हर किसी का बड़ा है लेटर, अब अगर हम टॉगल केस को प्रेस करते हैं तो जो बड़े लिखे हुए हैं
अपर केस में लिखा हुआ है वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा लिखा है वो बड़ा हो जाएगा। चलिए क्लिक करते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ए जो था वो बड़ा लिखा था, कैपिटल लेटर में था, वो स्मॉल में हो गया है, और जो एम छोटा लिखा था वो बड़ा हो गया है। तो इस अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट केसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इतना समझा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।